एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आजकल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो एक बार वहां पर रुको, थोड़ा सोचो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? अगर वो कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं जो आप लोगों को डरा रहे हैं कि नहीं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर पढ़ो। अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं नहीं डरा रहे हैं, तो फिर लाइफ को एंजॉय करो। सारी चीजें आपके हाथ में तो है यार। कौन आप लोगों को आके बोल रहा है कि ये काम करना है ये नहीं करना है? जो भी गोल आप लोगों ने डिसाइड किया अपने आप किया है, किसी ने आप लोगों के ऊपर एक तरीके से फोर्स तो किया नहीं है कि आप लोगों को यही चीज अचीव करनी है। तो इसलिए अपने द्वारा डिसाइड किए गए गोल को अगर आप लोग खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसी को आप लोग उसी में कई सारे बहाने ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि गलत डायरेक्शन में आप लोग चल पड़े हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को, वो नहीं कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने बारे में समझना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में काम वो करो कि अगर आप लोग बीमार भी हो, अगर आप लोग कोई परेशान भी हो, उसके बाद भी काम करने में आप लोगों को मजा आए और वही रियलिटी में आप लोगों को सक्सेस की ओर ले जा सकता है। पर लेकिन अगर आप लोग वो काम कर रहे हैं कि आप लोग सही हैं, हस्त पुष्ट हैं, सारी चीज़ें सही चल रही है और उसके बाद भी आप लोगों को काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो काम को आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक वो काम टिकने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या करना है, बाकी तो आप लोग समझदार ही हो। आगे बात करें, यहां पर आज मॉर्निंग में 4 बजे ये वीडियो डाली, जो कि सितंबर महीने का करंट अफेयर, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों की मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अगस्त की वीडियो आप लोगों के पास में आ चुकी है, सितंबर, बीच में अक्टूबर की बची है, वो भी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को बीच में वीकेंड में मिल जाएगी, वीकेंड में नहीं बीच में डाल दूंगा उसको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये करंट अफेयर जो है, जो मैंने बोला था मोटा मोटा एक आप लोगों का, वो आप लोग कवर करा रहा हूं, जो कि ईपीएफओ का पेपर है आप लोगों का 9 मई का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की ये प्रिपरेशन चल रही है और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स से भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। अगर कोई दूसरा एग्जाम है पास में तो उसमें फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है आज के डेट में, उन्हें कहते हैं कि नब्ज बन चुकी है एग्जाम की। अगर करंट अफेयर आप लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में तैयार कर लेते हैं तो काफी हद तक आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर न्यूज निकल के आती है कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड जो है वो करंट अफेयर देखने को मिलता है। इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है ऑलरेडी, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ से। देखिए दो तरीके हैं रिवीजन करने के, या तो आप लोग चलते फिरते फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर वो नहीं करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको नजरों में को निकाल लीजिएगा, तो जैसे भी सुटेबल लगे, पर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा 1-2 बार और। ठीक है, ताकि एग्जाम में और कंफर्टेबल आप लोग फील करें। ठीक है, तो ये है वीडियो का थंबनेल जो आप लोगों के सामने दिख रही है, तो सब एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आइए अब आज की कुछ न्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो है संडे और संडे को आप लोग एडिटोरियल देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए जो न्यूज रहेगी वो आप लोगों को नॉर्मल तरीके की न्यूज देखने को मिलेगी, तो उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो यहां पर अभी महाराष्ट्र के द्वारा आरोप लगाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पर, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को उनके द्वारा बोला गया था कि बात करने के लिए, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी हैं, इसलिए वो बात नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो सिलेंडर वगैरह है, जो ऑक्सीजन बेसिकली यूज की जाती है खासकर COVID-19 में, तो वो नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते कई सारे राज्य जो है वो त्राही मांग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा बोला गया है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, आइसोलेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर काम चलेगा, क्योंकि जिस लेवल में केस बढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस फील्ड में करना पड़ेगा कोई ना कोई काम। देखिए ये कैसा तरीका है, अगर आप लोगों से हेल्थ के बारे में बात की जाए, तो हेल्थ जो होता है अगर 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोग जाओगे तो हेल्थ जो होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टेट को हेल्थ को अपने आप संभालना पड़ता है। एजुकेशन जो आता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसके चलते यहां पर कभी कभी सेंटर जो है वो थोड़ा सा अपने आपको ढीला समझता हुआ, मतलब ढीला दिखता हुआ नजर आता है। हमारी कंट्री में जो भी फाइनेंस कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, उनके द्वारा एनके सिंह साहब के द्वारा बोला भी गया कि हेल्थ जो है उसको हम लोग को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो कॉन्करेंट लिस्ट में डालने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन को जब कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उसके बाद में एजुकेशन को हम लोगों ने ये यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। तो इसी तरीके से हेल्थ को भी अगर हमको चेंज करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन करके अगर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाता है तो फिर सेंटर और जो स्टेट है वो दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपदा वगैरह आ रखी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज,
जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारी कंट्री में, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो नॉर्मली अप्लाई होता है किसके ऊपर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, यानी कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जैसे सेंटर में होता है इसी तरीके से स्टेट में होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है जैसे कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, उसमें अगर नुकसान होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो पैसा है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। पर लेकिन COVID-19 जो है वो नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, तो इसलिए कई सारे राज्य जो है वो जूझ रहे हैं कि पैसे को कैसे यूज करना है, क्योंकि एक्ट जो है वो नेचुरल कैलेमिटी के बाद में ही उनको अलाउ करता है। तो इसलिए एक और न्यूज़ यहाँ पर आ रही है कि अभी ये बात की जा रही है कि या तो COVID-19 को नेचुरल कैलेमिटी आप लोग डिक्लेयर कर दो, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो पैसा है, जो उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से उसको यूज किया सके, या फिर उसके अंदर कोई चेंज करो ताकि इसको अलाउ किया जा सके, क्योंकि कई सारे राज्य जो है इस चीज को लेकर भी कभी ज्यादा दिक्कत में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोगों की नई नई शादी हुई है आप लोग वोट डालने जाओगे क्या, यहाँ पर ये जो कपल है यहाँ पर इनकी शादी हुई और ये तुरंत जो है वोट कास्ट करने गए, वेस्ट बंगाल के अंदर ये इलेक्शन का जुनून आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 78% के करीब यहाँ पर जो पोलिंग अभी देखने को मिली, जो कि एक अच्छी खासी पोलिंग आप लोग बोल सकते हैं, तो काफी एक तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं कि कुछ झड़प वगैरह भी देखने को मिलती है, तो वो तो देखिए इलेक्शन में चलती है, पर लेकिन फिर भी शांति में चीज चलती रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसका ये अभी यहां पर सीन था। आगे बात करें, ये एक दुखद घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, अभी यूएसए के अंदर जो हमारी कंट्री की सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर अटैक किया गया, लगभग 4 लोगों की जान चली गई, तो यहां पर इंक्लूडिंग 3 वुमेन, ठीक है, तो 4 सिख इंक्लूडिंग 3 वुमेन की यहां पर जान चली गई, जिसके चलते यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली। और ये जो दुर्घटना घटी ये कहां पर घटी, तो ये फेडएक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली कई बार न्यूज में रहती है यहां पर, ये कंपनी है जो कि डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे अमेजन हमारी कंट्री में ना यहां पर फिलहाल, तो यहां पर इस तरीके से फेडएक्स यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस फेडएक्स के अंदर अगर इंप्लॉय की बात की जाए तो 90% के करीब जो इंप्लॉय हैं यहां पर ये या तो इंडिया के हैं या फिर अमेरिकन है, ठीक है, तो इंडो अमेरिकन मूल के आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे मैक्सिमम यहां पर, ठीक है। तो इससे पहले भी यहां पर ऐसी झड़प होती है, कई बार क्या रहता है कि लोग ये बोलते हैं कि बाहर के लोगों को ज्यादा काम दे रखा है, तो उसके चलते चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन जिस इंसान के द्वारा ये हरकतें की गई है, जिसका नाम है यहां पर ब्रेंडन स्कॉट, तो ये लगभग 19 साल का लोंडा है जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है, तो यहां पर इसकी मां भी पहले यहां पर बोल चुकी थी कई सारे लोगों को, FBI के एजेंट को, कि मेरा लड़का जो है वो सुसाइड कर सकता है, ठीक है, तो ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, यानी कि बुद्धि से पैदल कुछ ना कुछ दिमाग में गड़बड़ चल रही थी इस इंसान के, तो ये हरकतें देखने को मिली। इससे पहले 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था यहां पर, जिसमें कई सारी जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे यूएसए के अंदर उनकी जान चली गई थी। अब ये यहां पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है सिख कम्युनिटी के ऊपर यूएसए के अंदर में, उस इंसिडेंट के बाद में। यूएसए के अंदर गन रखना बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग मोबाइल रखकर घूम रहे हो, आसानी से आप लोग गन रख सकते हैं, वहां पर यह माना जाता है कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए आप लोगों के पास में गन होनी चाहिए, पर यह नहीं पता है कि शाम को किसी ने दारू पीकर दिमाग घुमा तो वो सेफ्टी जो है वो दूसरों के लिए खतरनाक बन जाती है। इसीलिए यूएसए के अंदर जो गन शूटिंग के जो ये इंसिडेंट देखने को मिलते हैं बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यूएसए के अंदर देखने को मिल रही है। बराक ओबामा साहब के द्वारा इस नॉर्म्स को टाइट करने की बात की थी, पर लेकिन वो आगे चीजें नहीं बढ़ पाई, और डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल अय्याश टाइप के आदमी, उनके द्वारा तो बोला गया कि एक नहीं दो दो गन रखो, एंजॉय करो लाइफ को पूरा, सेफ्टी आपके हाथ में होनी चाहिए, तो इसके चलते वहां पर और ज्यादा लिबरल चीजों को किया गया। पर लेकिन अब जो बाइडन आ गए 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, अब देखते हैं कि ये कुछ चीजों को सही करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब कंडीशन कई सारी रिसेंटली अभी देखने को मिल रही है मास शूटिंग की यूएसए के अंदर, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। आगे यहां पर बात की जा रही है जो तमिलनाडु है हमारी कंट्री में, वो यहां पर सेकंड यहां पर अभी जो फिलहाल अभी ये इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर जंप देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर में। अब तक महाराष्ट्र टॉप कर रहा है अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो तमिलनाडु जो है 2019 में यहां पर ये 9th पोजीशन पर था, तो अभी अच्छी खासा बढ़कर यहां पर ये ऊपर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु अभी यहां पर आ चुके हैं, तो पहले पर हो गया महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, जहां पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा खासा आ रहा है, तो यानी कि तमिलनाडु में माहौल ऐसा मिल रहा है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दो स्टेट के नाम यहां पर भी बताए गए हैं, ये जो बेसिकली एनालिसिस किया गया है द हिंदू के द्वारा, यहां पर बेसिकली ये प्रोजेक्ट यहां पर कंपाइल किया गया प्राइवेट डेटा, जिसके चलते इंफॉर्मेशन निकल कर आई, ठीक है। एक एक्टर है दीप सिंधु, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये इंसान जो है अभी जेल से बाहर आई निकलकर फिर से पकड़ लिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कंप्लेन के ऊपर, क्योंकि लाल किले के आसपास वाले एरिया में जो इंसिडेंट देखने को मिला था ये माना जा रहा है कि इनके द्वारा वहां पर काफी त्राहिमाम किया गया था, तो उसके चलते इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, काफी लंबा केस चल गया यहां पे। ये एक छोटी सी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं,
एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका जिनका नाम है जिसका नाम है यहाँ पर हिडमा, ठीक है। तो ये जो हिडमा है यहाँ पर, ये आज की डेट में जो कई सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं अभी हमारी कंट्री में, जो मॉस अटैक देखने को मिल रहे हैं, तो इसका नाम है माधवी हिडमा। तो माधवी हिडमा जो है यहाँ पर, इसके ऊपर 7 लाख का अभी प्राइस डिक्लेयर किया गया है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। इसके ऊपर ये 7 लाख का जो अकेला इनके द्वारा ही डिक्लेयर नहीं किया गया, इससे पहले भी कई सारे प्राइज है, तो लगभग इसके सर पर आज के में 40 लाख तक के प्राइज है यहाँ पर। ये जितने भी सारे बड़े बड़े इंसिडेंट हुए जिनमें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई, उसमें इस इंसान के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। ये यहाँ पर जो पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी है, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से भी हमारी कंट्री में देखा जाता है, इसके थ्रू इसके द्वारा कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो यहाँ पर अंजाम तक पहुंचाए गए। छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी मॉन्स्टर अटैक देखने को मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ये इंसान यहाँ पर आप लोगों को नजर आता है इस तरीके के इंसिडेंट में। तो ये जो हिडमा है यहाँ पर, ये अभी बात की जा रही है कि जो मॉन्स्टर जो है उनके चलते कई सारे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं बस्तर के अंदर, या फिर कई भी 25 ईयर ओल्ड पर्सन जिसके द्वारा यहाँ पर हरकतें देखने को मिल रही हैं, इसके चलते पहले अटैक हुआ यहाँ पर अभी रिसेंटली मार्च में अटैक देखने को मिला। इससे पहले 2013 में जब यहाँ पर ये अटैक हुआ था, जब उसके टाइम पर भी मतलब लंबे समय से यहाँ पर 76 के करीब जो जवान की जान गई थी 2010 में, उसमें भी इसका हाथ पाया गया था। इसी के साथ में IAS ऑफिसर से रिलेटेड जो इंसिडेंट था उसमें भी, तो ये इंसान जो है ये काफी एक तरीके से प्लांट, उन्हें कहते हैं कि दिमाग एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनका दिमाग में गोबर भरा होता है, ठीक है, कि उनका इंसान का दिमाग जो है वो उल्टे चीजों में ही चलता है। तो ये इंसान जो है ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट को प्लान करने में ये सातिर इंसान है, ये नहीं कहते कि अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेगा। इसके चलते अगर ये ढंग से एनर्जी को यूज करे, कुछ अच्छे काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर लेकिन वही इंसान जैसे पाकिस्तान में उन्हें कि बॉर्डर पर गड्ढे खोदने हैं तो वो वाली हरकतें करनी है, तो वो सिचुएशन देखने को मिलती है। तो जिन लोगों की जान जा रही है वो अपने देश के लोग हैं, अपनी कंट्री के जवान हैं, वो सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्राइस रखा गया, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, पर लेकिन जो भी है सही नहीं है, दोनों साइड में अपने ही देश के लोग हैं। आगे बात करें तो एक न्यूज है यहाँ पर, ये जो कि अगर COVID-19 के इंपैक्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको वहां पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर एक तबका बात करें जो सेक्स वर्कर होती है उनके उस पर्टिकुलर तबके के बारे में बात करें, तो उनकी रोजी रोटी जो है वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से चलती है। सोचिए जैसे कि लॉकडाउन लग जाते हैं तो यहां पर कोई भी लोग इनके पास में नहीं जाएंगे, तो इसके चलते इनकी रोजी रोटी भी चलनी बंद हो जाती है, जो इनकी घर गृहस्थी है बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो इसी के चलते यहां पर कई बार जब भी कोई लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है, तो ये ऐसा आर्टिकल हिंदू में जरूर पब्लिश किया जाता है कि इनके बारे में कुछ ना कुछ, इनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए, या तो इनको कुछ खाने पीने का कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो, कुछ ऐसा काम करो ताकि जिंदगी चलती रहे यहां पर ये। वरना कई सारी जो ऐसी औरतें हैं फिर यहां पर दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं भूखी मरने लगती है, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, इवन खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पाता है। तो यहां पर जो अभी 10 से लेकर 5 तक का जो लॉकडाउन चल रहा है, तो बोला जा रहा है कि तो यहां पर इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम लोगों को काउंट कर चलना चाहिए। कई बार हम लोग इनको काउंट नहीं करते हैं कि सोसाइटी का ये भी पार्ट है, तो उसके चलते यहां पर बेसिकली उन चीजों को भी ध्यान रखने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है, अगर COVID-19 का इंपैक्ट लिखने के लिए कोई आता है और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई पॉइंट आप लोगों को लिखना है तो ये भी आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर दिल्ली के अंदर जो बात की जा रही है कि लगभग 24,000 के करीब नए केसेस देखने को मिले, और जबकि जो ICU के जो वार्ड थे यहां पर ओनली वो यहां पर 274 के करीब खाली पड़े थे, यानी कि बहुत ज्यादा केस निकल कर आ रहे हैं पर लेकिन उतने लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें अवेलेबल नहीं है। अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है, तो उसके चलते सेंटर से गुहार लगाई जा रही है, तो सारे राज्य जो है वो त्राही माम चिल्ला रहे हैं, सेंटर की ओर गुहार लगा रहे हैं, और सेंटर गवर्नमेंट जो है वो बिजी है अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, वो यहां पर फोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी स्टेट से जो कॉल आ रही है तो उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उसके चलते काफी रोज देखने को मिल रहा है। चलिए जो भी ये देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। कर्नाटका और केरला के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर केसेस देखने को मिले, यहां पर भी जो हॉस्पिटल में सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी कमी देखने को मिल रही है। देखिए ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम लोग अहमियत नहीं देते हैं, ये कहने के लिए फ्री में मिलती है ऑक्सीजन, पर लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं इसी ऑक्सीजन की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी ऑक्सीजन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है आज की डेट में कई जगह जो खासकर अगर बात की जाए COVID-19 के चलते कई बार निकलकर सामने आ रही है कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है थोड़ा सा, जहां पर भी आप लोग अपना ध्यान रखेगा। लालू प्रसाद यादव द टाइगर आउट ऑफ द जेल, तो यहां पर ये कल ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था कि टाइगर बाहर आ गए, तो लालू प्रसाद यादव जो है चारा घोटाला केस में अंदर थे, अभी यहां पर ये बाहर आ गए, तो काफी सेलिब्रेशन यहां पर चल रहे हैं।
राज्य के अंदर, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। कंडीशन देखिए ये है कि आज की डेट में अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा लीडर अगर जेल से बाहर निकल कर आता है, ठीक है, तो सेलिब्रेशन चलिए सही है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रेशन करिए, पर लेकिन ये होना चाहिए कि आगे से कोई लीडर जो है वो ऐसी हरकतें न करे कि जेल में जाना पड़े, क्योंकि दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं, इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, तो कम से कम ये भी कुछ बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में है यहाँ पर। नेक्स्ट ये छोटी सी न्यूज है, हमारी कंट्री के जो एयरफोर्स के चीफ है, ठीक है, तो यहाँ पर RKS भदौरिया, ये साहब जो है अभी यहाँ पर ये फ्रांस की विजिट पर जा रहे हैं इसी वीक में। आप लोगों को पता है राफेल के मुद्दे को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में कई सारी रस्साकसी चल रही है, तो अभी यहाँ पर बिचौलिए को बोला गया कि काफी सारा अभी घूस भी दी गई थी, तो क्या क्या मुद्दे आगे चलेंगे, तो उनको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। राफेल का जो डील था यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये कोई प्राइवेट एंटिटी की डील नहीं थी यहाँ पर, ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में डील थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर और भी ज्यादा इशू बन गया है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन नुल्की में रखो पर जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होती है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी के जो यहाँ पर मेजर हैं रिटायर्ड, वो भी यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हुए पाए जा रहे हैं। देखिए आप लोगों ने बस्टर्ड के बारे में सुना होगा, ये एक पक्षी है जो कि काफी क्रिटिकली कैटेगरी में पाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा ये जो दो बस्टर्ड है इनका शिकार किया गया और उनके साथ में फोटो खिंचाई, और फोटो खिंचवाने में एक पर्सन ये भी थे जो मेजर जो रिटायर्ड आर्मी के चीफ है, मतलब आर्मी के मेजर है रिटायर्ड, वो भी यहाँ पर इसमें संलिप्त पाए गए। तो इससे यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितने एक इनसेंसिटिव तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अभी इसी के चलते यहाँ पर ये अगर आप बात करें आप लोगों से बस्टर्ड के बारे में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाए जाते हैं, और आज के डेट में ये मानते हैं कि 100 से भी कम बस्टर्ड जो है उनकी पॉपुलेशन अवेलेबल बची हुई है, और जिसमें से 95% जो है वो आप लोगों को जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो ये देखने को मिलेगा, यानी कि ले देके कुछ ही गिनी चुनी यहाँ पर ये पक्षी बचे हुए हैं। ये हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाए जाते हैं, खासकर अगर बॉर्डर के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान का सिंध और इसी के साथ में पंजाब जो प्रोविंस है वो यहां पर टच करती है, तो उस एरिया में ये पाया जाता है। राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अगर बात करें हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, और इसी के साथ में कुछ प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं यहां पर देहरादून बेस्ड जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा 2019 में कि कैसे यहां पर इनको प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर डिबेट भी चल रहे हैं, तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर है। IUCN के अंदर अगर बात करें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में था 1994 में, फिर इसको अपग्रेड कर यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया 2011 में, यानी कि ये काफी कम संख्या में बचे हुए हैं, और उसके बाद भी यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो खासकर जो कि आर्मी के चीफ जो कि काफी डिसिप्लिन लोग माने जाते हैं वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर भी ये न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी इंडिया के द्वारा पूरा प्रोटेस्ट यहां पर दिखाया गया कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, तो द टूरिज्म एंड द वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा कंडेम किया गया इस इंसिडेंट को, और देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है कि यहां पर इस तरीके से क्यों इंसिडेंट यहां पर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोग देखते हैं यहां पर ये, ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयशंकर साहब। तो जयशंकर साहब जो है यहां पर ये UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विजिट पर यहां पर जा रहे हैं आज, तो ये यहां पर देखते हैं आगे क्या बातें चलती हैं। अभी काफी उड़ती उड़ती ये खबर आ रही है कई तरीके से, कई सारे ऐसे सोर्सेज ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, अब कौन है वो सोर्सेज ये तो पता नहीं, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वो नहीं कहते कि थर्ड चैनल के थ्रू यहां पर बात चल रही है अभी, तो उसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। ठीक है, तो ये यहां पर 3 डे की विजिट अभी इनकी देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये UAE हो गया, इधर हो गया यहां पर गल्फ ऑफ ओमन, यहां पर हो गया पर्शियन गल्फ, और ये हो गया यहां पर अरेबियन सी। ठीक है, इधर हो गया यहां पर ओमन, इधर हो गया इसकी कैपिटल मस्कट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में याद रखेगा, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थर्ड चैनल के थ्रू कोई ऐसी बात चल रही है UAE के थ्रू, तो उसके बारे में भी कोई ऐसी बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं। पर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं कि जितने जल्दी नॉर्मल चीजें हुए उतना जल्दी बेटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरिद्वार में जो कुंभ का मेला चल रहा था यहां पर ये, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि कुछ कर्टेलमेंट किया जाए, यानी कि लोगों को कम अलाउ किया जाए, तो जो हर की पौरी है वहां पर लोग जो है वो कम दिखाई दिए, तो ये एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं COVID-19 के चलते, क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, लगभग 2.5 लाख के करीब केसेस देखने को मिल रहे हैं डेली, तो इसलिए ये चीजें हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब जो हैं वो भी टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अभी देखो क्या कंडीशन बनती है, सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। जिनको ये लगता है कि COVID-19 जो है वो वैसे ही अफवाह चल रही है फालतू में, तो कुछ ऐसे परिवार से मिलो कि सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो परिवार है जिसमें
चार चार पांच पांच लोग भी जान जा चुके हैं पूरे परिवार में, एक अकेली अकेली औरत बची हुई है यहाँ पर। अब ये धंधा बेसिकली जो भी काम करते हैं काम धंधा उसको आगे बढ़ाने के लिए आज की डेट में ये जो जो ये न्यूज निकल कर आ रही है उड़ीसा भुवनेश्वर से निकल कर आ रही है। तो ये एक परिवार था जिसमें चार लोगों की जान जा चुकी है, चार भाई चार ब्रदर जिनकी जान जा चुकी है कोविड 19 के चलते फर्स्ट वेव से लेकर अब तक का। तो अकेली महिला बची हुई है यहाँ पर अब काम धाम देखने के लिए। तो जिनको ये लगता है कि ये सीरियस नहीं है, जो बिल्कुल हल्के में लेकर आज के डेट में बिल्कुल बिंदास होकर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की बीमारी हो रही है। एक दिन पहले बीमारी हुई और दो दिन के अंदर अंदर कहानी खत्म हो गई है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, फालतू में चीजों को इश्यू अपना जो चीजें बचाई जा सकती हैं प्रिवेंशन आप लोग ले सकते हैं तो क्यों नहीं उसके लिए प्रिवेंशन ले रहे हैं। तो कम से कम ये चीजें आप लोग तो समझदार आदमी हैं तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी यहाँ पर जो मुझे काफी एक दिल दहलाने वाली स्टोरी लगी। आगे बात करते हैं तो तमिलियन कम्युनिटी जो श्रीलंका के अंदर रहती है, श्रीलंका के अंदर तमिलियन कम्युनिटी रहती है नॉर्थ श्रीलंका के अंदर, तो उनको द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई जा रही है कि हमारी लैंड जो है वो अंडर थ्रेट है, हो सकता है कि जल्दी हमारी ये लैंड भी छीन ली जाए जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार किए जाते हैं। तो महिंद राजपक्सा और यहाँ पर आज के में जो उनके भाई हैं जो दोनों मिलकर यहाँ पर पावर में बैठे हुए हैं तो कुछ भी इनके लिए ढंग से स्टेप नहीं उठा रहे हैं। तो ये कम्युनिटी काफी ज्यादा परेशान वहां पर रहती है। तो उसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया, अपनी आप बीती ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो कि एक ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब के और पहला लेक्चर था यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कंट्री से स्टार्ट किया था। नाम की जा रही है, नाम बात की जा रही है क्यूबा के बारे में। फिदल कास्त्रो जो यहाँ पर पहले यहाँ पर लीडर हुआ करते थे क्यूबा के अंदर, फिर यहाँ पर इनके भाई आए जिनका नाम था राउल कास्त्रो। तो यहाँ पर ये दो पर्सनैलिटी जो है लगभग 60 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रूल कर रहे हैं क्यूबा के ऊपर, पर फिलहाल जो है इनके द्वारा जो फिदल कास्त्रो के जो भाई थे राउल कास्त्रो स्टेप डाउन इनके द्वारा कर दिया गया है। तो अब कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा कि क्या कुछ नया चेंज आने वाला है, क्या यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलेगी, कौन सक्सेसर बनेगा। तो ये बात की जा रही है अपनी कंट्री यहाँ से है, यहाँ से कंपेयर कीजिएगा क्यूबा, ठीक है। तो ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी मैप के अंदर में, तो अटलांटिक ओशन वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगी। तो ये पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर ही पहला जो लेक्चर था उस दिन फिदल कास्त्रो की डेथ हुई थी तो उसके ऊपर वो लेक्चर आया था जो मैंने पहला द हिंदू का लेक्चर बनाया था यूट्यूब पे, मेरा पहला लेक्चर था वो, ठीक है। तो काफी सपोर्ट आप लोगों के द्वारा किया गया था उस दिन, मुझे काफी अंदर से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर लेकिन चीजें जो है वो ही है, आगे बढ़ती गई चलती गई चीजें और फिर ऐसी चीजें आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर था तो मुझे एकदम याद आ गया, मैंने कहा उस दिन जो लेक्चर पढ़ाया था मैंने, मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती थी बेसिकली, मैंने क्या किया था पेन अपनी जो पेन है उससे लिख लिख कर उससे जो मोबाइल था उससे फोटो खींचे उसके और फिर उसको पीपीटी में चिपका दिया, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था उस टाइम पर पीपीटी बनाने का। हालांकि फिर मैंने सीखा कि पीपीटी कैसे आगे बनाते हैं ढंग से कैसे, उसके ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियोज वगैरह देखी और फिर चीजें आगे करी तो फिर चीजें जो है थोड़ी बेटर होने लगी और फिर चीजें आगे बढ़ती चलेगी। सॉफ्टवेयर भी बड़ा खतरनाक था उस टाइम पर, माइक्रोसॉफ्ट एनकोडर यार बहुत जद्दोजहद हुई उसके साथ में, मतलब वो सॉफ्टवेयर मुझे हैंडल करने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई जिसकी कुछ हद नहीं है। जैसे तैसे मैंने कैसे कैसे काम किया था उस टाइम पर उसके साथ में, मुझे पता है एक बार आवाज आगे जा रही है कभी कभी पेन का चल रहा है कभी कुछ, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी यार। चलिए जो भी है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, आसियान से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है। आसियान की जो समिट है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो ज्वाइंट जो आसियान की जो समिट है उसमें जो म्यांमार है उसकी जो लीडर है यहाँ पर जिनका नाम है मिंग उंग हिलांग, ठीक है। तो मिंग उंग हिलांग जो है MA हिलांग MAH आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर क्योंकि कंट्री में यही आज के डेट में लीडर है। फिलहाल जो है यहाँ पर आज के में तो इनके द्वारा 23,000 के करीब जो प्रिजनर थे उनको रिलीज कर दिया गया है और लगभग 720 के करीब जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। 24 अप्रैल के दिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये मीटिंग, तो देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन है, क्या कोई इनके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा या फिर नहीं। आसियान को जो मेंबर है अगर बात करें तो म्यांमार के द्वारा 1997 में यहां पर आसियान को ज्वाइन किया गया था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा यहां पर बनाया गया था। तो आसियान की मीटिंग होगी तो अब देखते हैं उसमें यहां पर आसियान के जो मेंबर है क्या वो इनको कुछ बोलते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो अपने देश में थोड़ा सुधार लो यार ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, तो क्या होगा वो आगे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहां पर एक मिशन के बारे में बात की जा रही है इसरो के आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 जो ये स्टडी करने के लिए सूरज की स्टडी, तो ये नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि ये मिशन यहां पर छोड़ा जाएगा। तो आदित्य L1 जो मिशन है उसी के लिए बेसिकली एक सपोर्ट सेंटर यहां पर बनाया गया नैनीताल के अंदर में, ठीक है।
तो ये वर्कशॉप टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसी की पिक्चर वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट की गई है। तो कई सारे मिशन जो इस तरीके से होते हैं उनके बारे में याद रखिएगा। तो टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में कि आदित्य अलवन जो है आप लोगों को यहाँ पर मिशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर जो सिचुएशन वो कंट्रोल की जाएगी, सूरज के बारे में स्टडी की जाएगी और सूरज के लिए हमारी कंट्री का ये पहला मिशन होगा। तो आदित्य L1 इस मिशन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है यहाँ पर, तो देखते हैं कितना अच्छे से हम लोग हमारी इसरो जो है ये मिशन यहाँ पर लॉन्च कर पाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बात की जा रही है कि लगभग 220 मिलियन के करीब यहाँ पर रैट लाइक के क्रिएचर था जो आप लोगों को यहाँ पर ये मूसे जैसी यहाँ पर ये क्रिएचर आप लोगों को देखने को मिल रही है, चूहे जैसी क्रिएचर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया, इसके बारे में स्टडी की जा रही है कि यहाँ पर इसी से आगे चलकर कई सारे क्रिएचर सामने निकल कर आए, तो इसको यहाँ पर स्टडी अभी किया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर इसके दांत वगैरह, इसकी पूंछ वगैरह कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड यहाँ पर ये है जिसका नाम है यहाँ पर साइनोडोंट, बेसिकली बोला जा रहा है एक तरीके से, तो टिक जो बेसिकली टिकी जो टिकी फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, तो यहाँ पर उनके द्वारा ये कुछ स्टडी की जा रही है जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा पहला सा डिस्कशन, ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और बाकी जो पुराना भी रिवीजन नहीं किया उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताई है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, तब तक के लिए जय हिंद।